नारियल पे चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था, जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है। दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है। आप बोलो तो एक हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ। मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, एक हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या? 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो। काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना? आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर खुद ही नारियल पेड़ चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयां देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली, सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है, जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है। ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है, अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो, अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा, बस एक रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रस्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा। बोलो काट बिरयानी। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के कोने में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास जमीन तो बेशक कम थी, लेकिन वहां पर 12 महीने पानी रहा करता था, इसीलिए उसकी जमीन पर बहुत अच्छी खेती होती थी, जिससे उसका बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा था। महेश और उसकी पत्नी कमला खेतों में मेहनत करते और उसके बच्चे स्कूल रोज पढ़ने जाया करते थे। वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन जब महेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक काफी सारी सरकारी गाड़ियों को उस तरफ आता देखकर हैरान हो गया और अपना काम छोड़कर वहां जाकर लोगों की बातें सुनने लगा। वो लोग किसी सड़क योजना की बात कर रहे थे। तभी गांव के सरपंच ने महेश को देखकर अपने पास बुलाया। अरे कैसा है महेशवा? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं और ये सब लोग? अरे खुश हो जा खुश महेशवा, हमारे गांव से हाईवे निकलने वाला है और तेरी जमीन है ना, ये भी हाईवे की जद में आ जाएगी, खूब पैसे मिलेंगे सरकार की ओर से। ये बात सुनकर महेश परेशान हो गया और उसने सरपंच से कहा, लेकिन सरपंच जी, ये जगह जमीन तो हमारी माँ है और मुझे तो यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर पास खड़े सरकारी अफसर ने कहा,
भाई देखिए, गांव की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए यहां से सड़क निकालना बहुत जरूरी है और आपको सरकार पूरा मुआवजा देगी और एक नई जगह रहने को घर भी देगी। उनकी बात सुनकर महेश ने कहा, लेकिन साहब ये तो मेरे पुरखों की जगह है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ऐसा कहकर वो सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो सरकार को सड़क के लिए जमीन देने को तैयार ही नहीं था। कुछ लोग महेश को सरकार के खिलाफ नारे लगाने के लिए भड़काने लगे और जब महेश उनकी बातों में आ गया और सड़क जाम कर बैठ गया तो उसे उठाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वो लोग तो चले गए लेकिन लाठी सीधा महेश के सिर पे लगी और वो बेहोश हो गया। उसके परिवार ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चला और सरकार ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया, लेकिन महेश को मुआवजा भी दिया गया और उसे गांव के बाहर शहर के पास रहने के लिए एक जगह भी दी गई। लेकिन सारा पैसा महेश के इलाज में लग गया। जब महेश ठीक होकर घर वापिस आया तो अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। क्या से क्या हो गया कमला, अब हम क्या करेंगे? तो उसकी पत्नी कमला ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं कल ही ढेर सारी बिरयानी बना दूंगी। आप बैलगाड़ी में लेकर उसे बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, जरूर बिरयानी बिकेगी। महेश को कमला का आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन कमला ने बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित बिरयानी बनाई और महेश उसे बेचने चला गया। बाजार के कोने पर बैलगाड़ी खड़ी कर आवाज लगाने लगा, आइए आइए बिरयानी खाइए, गांव की बनी शुद्ध और स्वादिष्ट बिरयानी खाइए। महेश को बैलगाड़ी पर बिरयानी बेचता देखकर लोग बहुत हैरान हो गए। अरे यार विनय, देख तो जरा, बैलगाड़ी पर देसी बिरयानी। हाँ हाँ विजय, चलो वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं। और देखते ही देखते महेश की बैलगाड़ी के आसपास बहुत सारी भीड़ लग गई और उसकी सारी बिरयानी देखते ही देखते खत्म हो गई। उससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई और अब सभी लोगों को बैलगाड़ी वाले बिरयानी वाले का इंतजार रहता था, क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध बिरयानी खाने को जो मिलती थी। एक गांव में बादल नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो वो पानी पूरी बेचता था, लेकिन वो दिल का बहुत ही नेक था। वो किसी को रोता बिलखता या भूखा नहीं देख सकता था, जितनी हो सके उनकी संभव सहायता करता था। वो रोज अपने घर से एक टोकरे में पानी पूरी लेकर चलता था और उसे गांव-गांव बेचा करता था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, हाजमे वाली पानी पूरी। उसकी पानी पूरी का पानी बहुत ही स्वादिष्ट और हाजमेदार होता था, क्योंकि वो उसमें हमेशा शुद्ध मसाले ही मिलाया करता था, इसीलिए उसकी पानी पूरी बहुत बिका करती थी। अरे पानी पूरी वाले भैया, जरा दो प्लेट पानी पूरी तो खिला दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। भाई वाह, मजा आ गया आज तो पानी पूरी खाकर। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। और इस तरह बादल रोज गांव-गांव और मोहल्लों मोहल्लों घूमकर पानी पूरी खिलाया करता था। उसका काम सही चल रहा था, लेकिन अब वो जगह जगह घूम घूम कर थक चुका था। वो सोचता था कि उसका भी गांव के बाजार में पानी पूरी का एक स्टॉल हो, लेकिन उसके पास दुकान खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन जब वो एक गांव से पानी पूरी बेचकर आ रहा था तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी नज़र अचानक बादलों पर पड़ी तो उसे देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। अरे क्या आइडिया आया है दिमाग में, क्यों ना मैं खाली प्लास्टिक की बोतलों से बादलों जैसा एक पानी पूरी का स्टॉल बनाऊं। उसने अपने दोस्त झंगू कबाड़ी के यहाँ से काफी सारी खाली प्लास्टिक की बोतलें ली और उनका बादलों जैसा एक पानी पूरी का स्टॉल बनाया। वो स्टॉल दिखने में बिल्कुल बादलों जैसा ही लगता था और उस पे उसने लिखा, बादल की बादलों वाली पानी पूरी। उसका काम फिर से सही चल निकला, लेकिन एक दिन अचानक गाँव में काफी तेज बारिश हुई और गांव की नदी के तटबंध टूटने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोगों की स्टॉल और दुकानें पानी में डूब गईं, लेकिन बादल का स्टॉल क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों का बना था तो वो पानी में तैरने लगा। यूं लग रहा था कि जैसे मानो बादल तैर रहे हों। बाढ़ के कारण लोगों के घरों में खाने की चीजें खत्म होने लगी तो बादल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने स्टॉल में लोगों को पानी पूरी खिलाए और अपने स्टॉल में लेके भूखे लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई साहब ये लीजिए पानी पूरी खाइए। अरे कितने पैसे हुए भाई, यहाँ तो खाने को पैसे नहीं है। अरे भाई साहब ये आज फ्री सेवा है, मुझे पता है आपके यहाँ खाने को कुछ नहीं है,
इसीलिए तो जो मेरे पास है मैं आपको खिला रहा हूँ। भाई वाह बादल, दिल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। और इस तरह उसने बाढ़ का पानी उतरने तक सभी लोगों की मदद की और उसका धन्यवाद किया। अरे वाह भैया, आपका बहुत धन्यवाद। इस बाढ़ के समय में भी आप लोगों को मुफ्त पानी पूरी खिला रहे हैं। भाई बादल, अगर तुम्हारी बादलों वाली पानी पूरी ना होती तो हम लोग भूखे मर जाते। अरे भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अब बादल की बादलों की पानी पूरी का स्टॉल पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था।